Students, I'm here with a very interesting and a very heart touching poem of class 10 CBSE from the book First Flight, the ball poem. Here we can see at the top of the poem that what is written here: a boy loses a ball, he is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from experience of losing something. So इस poem में, ये poem का नाम है द बॉल poem. ये poem जो ball पर आधारित है. Ball तो actually यहाँ पर example लिया गया है. Ball का मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. ये एक तरह का समझ लो कि सिम्बॉलिज्म यूज़ किया गया है. ठीक है, सिम्बॉलिज्म एक पोएट्री डिवाइसेस है जिसमें एक वर्ड किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो हमारे लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो हम लूज़ कर देते हैं और हमें बड़ा दुख होता है. और हमारे लाइफ की एक सच्चाई और भी है कि हम अपने जो चाहने वाले लोग हैं, जो लवेबल पीपल हैं, जिसको हम कभी खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी हमसे जो है दूर चले जाते हैं और कुछ दिनों तक हम उनकी यादों में डूबे रहते हैं और उनके उनको बहुत मिस करते हैं. तो ये सच्चाई जो है उसको जो पॉइट हैं जॉन बेरीमैन, वो बड़े ही हार्ट टचिंग वे में इसको जो है डिस्कस किए हैं. तो पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा पॉइट के बारे में जान लेते हैं. अबाउट द पॉइट, John Berryman was an American poet and scholar. He is best known for the Dream Songs, which was published in 1969, which was a sequence of 385 poems. He won Pulitzer Prize for the Dream Songs. He also won National Book Award. तो यहाँ पर एक संक्षेप में, शॉर्ट में इनका एक इंट्रोडक्शन है John Berryman का, जो जाने जाते हैं अपने ड्रीम सॉन्ग्स के लिए. उनके लिए उनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी दिया गया था और नेशनल बुक अवार्ड भी दिया गया था. अब आते हैं हम लोग पोएम में. तो पोएम में से खेलता है और उसका बॉल जो है उसके हाथ से उछलकर जो है पानी में चला जाता है. फिर उसको दोबारा वो मिलता नहीं है. तो बॉल के खोने का जो गम है उसको वो जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है. हालांकि वो दूसरा बॉल भी खरीद सकता है. जैसे हमारे पास होता है ना कुछ बहुत ही, मान लिया कि तुम्हारे तुम्हारे बर्थडे में किसी ने तुमको एक बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया, और वो किसी कारण कहीं जो है खो गया. वो गिफ्ट अगर एक पेन होगा तो लोग बोलेंगे कि क्या पेन के लिए तुम रो रहे हो, दूसरा कोई पेन तो खरीद सकते हो ना. लेकिन वो पेन जो है वो केवल पेन नहीं है, वो एक ऐसा चीज़ है जो मेरे किसी बेस्ट फ्रेंड ने हमें दिया है. वो एक यादगार है, एक मेमोरी है जो उस पेन के साथ जुड़ा हुआ है. पेन तो ख़रीदा जा सकता है लेकिन कॉस्ट उस पेन का नहीं है, कॉस्ट उस इमोशन का है, कॉस्ट उस फीलिंग्स का है जो उस पेन के साथ जुड़ा हुआ है. तो हम लोग यहाँ बॉल के रूप में उस इमोशंस को देखेंगे. लेट्स रीड इट. व्हाट इज़ द बॉय नाउ? Who has lost this his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. What is the boy now? Kya ladka hai? Apna ball jo hai kho diya. Ab wo kya karega? Maine to dekha wo bada अच्छे ढंग से, ऐसा लग रहा था बहुत ही इन्जॉइंग वे में जो है कुछ हलता हुआ कूदता हुआ रास्ते पर. और जो है रोल करता हुआ पानी में चला गया. नो यूज़ टू से ओ देर आर अदर बॉल्स. अब यह एक यहाँ पर यह कहना बहुत कठिन है कि और भी बॉल्स हैं, तुम उसी बॉल के पीछे क्यों पड़े हुए हो. एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, एक बहुत ही जो है दुख, जो है दुख के कारण वो दुख में पड़ जाता है. वो
As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where, और वो जो है पूरी अच्छा खड़ा है, वो बॉल को देखते हुए जा रहा है। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांप रहा है, स्टेरिंग डाउन लगातार कॉन्स्टेंटली वो देख रहा है। ऑल इज यंग डेज इन टू द हार्बर, और उस जिस पानी में चला गया उसको वो देख रहा है। हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पॉइंट कहते हैं कि उसका बॉल तो चला गया, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में मैं पढ़ूँ। इंट्रूड का मतलब होता है कि टू गेट इन टू द मैटर, तो पॉइंट नहीं चाहते कि हम इस मैटर में जाएं। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अ टाइम, अ टाइम का मतलब यहाँ पर है 10 सेंट्स। दूसरा बॉल जो 10 सेंट का है वो आ सकता है, लेकिन ये उसके लिए यूजलेस है, वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा लेसन जो है सीखने को है, उसको समझ में आता है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे वर्ल्ड जो है एक पोजिशन का है। पोजिशन मतलब होता है सब जो है चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, उससे लगाव रखते हैं। लोग तुम्हारे बॉल लेंगे, बॉल लॉस्ट हो जाएगा। बॉल का मतलब यहाँ लोग, तुम्हारे से जुड़े हुए बहुत सारे लोग होंगे जो एक दिन चले जाएंगे, तो उसके लिए रोना जो है बेकार है। लिटिल बॉय एंड नो वन बायज अ बॉल बैक। और वो बॉल जो है चला गया उसको वापस हम ला नहीं सकते। बॉल के रूप में कुछ भी हो सकता है, हमारे जो लवेबल पीपल हैं, हमारे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, या फिर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई, वापस नहीं आ सकते हैं। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है एक्सटर्नल है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, और वो इस चीज़ को समझ रहा है, सीख रहा है। डेस्परेट का मतलब था होपलेस। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। हाउ टू स्टैंड अप, अब इस दुख से किस तरह से उबरना है, कैसे खड़ा होना है वापस। तो हमें भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जिस भी तरह के दुख दर्द होते हैं उससे हमको उभरना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दुख में पड़े हुए हैं और अपना जो आने वाला जो फ्यूचर है उसको भी हम नष्ट कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और हर आदमी को वो समझ में आता है एक दिन, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और बहुत से लोग को ये समझ में आता है बाद में कि हम लोगों को जो है पुरानी चीज़ों को भूलकर नए सिरे से नई शुरुआत करनी चाहिए, खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुख में पड़े हैं, एक चीज़ खो गया तो उसके दुख में पड़े हैं, और उस और जो है अपना सारा जीवन हम नष्ट कर दिए। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ हम लोग पॉइट्री डिवाइसेस देख लेते हैं। इसमें हालांकि कोई राइम स्कीम नहीं है, और जिस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं होता उसको ब्लैंक वर्ड्स कहा जाता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लैंक वर्ड्स वेयर देयर इज़ नो राइम स्कीम। अब यहाँ देख लेते हैं, एक एनाफोरा यूज़ किया गया है। एनाफोरा का मतलब होता है जब एक लाइन में एक रिपीटेड वर्ड यूज़ होता है। ऐसे यहाँ पर सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं वॉट वॉट। तो इस तरह अगर आप देखते हैं कि एक लाइन में जब रिपीटेड वर्ड यूज़ होता है, या एक लाइन से दूसरे लाइन में, जैसे वॉट वॉट फर्स्ट लाइन में भी यूज हुआ है, सेकेंड लाइन में भी यूज हुआ है, तो जब कंटिन्यूसली आप एक ही वर्ड को सिक्वेंसली अगर आप लाइन बाय लाइन अगर देखते हैं कि रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाफोरा। ठीक है, तो ये एक पोएट्री डिवाइसेस है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि एक तरह का यहाँ पर जो है एजोनेंस है। एजोनेंस का मतलब होता है जब आप वॉवेल साउंड आपका कॉन्जिक्यूटिवली यूज होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए लॉस, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉस, हाउ टू स्टैंड, लॉस में भी ओ है, हाउ में भी ओ है, टू में भी ओ है। तो जो एजोनेंस होता है वो रिपीटेड जो है कंजिक्यूटिव वर्ड्स में वॉवेल यूज़ किए जाते हैं, तो उसको हम लोग एजोनेंस बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस पोएम को समझें ठीक तरह से। ठीक है, पोएम को पढ़िए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।